आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए भाजपा सरकार ने 5 मंत्रियों की सब कमेटी का गठन किया था। जून 2024 में सब कमेटी बनाई गई और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को संयोजक बनाया गया था, लेकिन अब बेरवा को कमेटी से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को संयोजक बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से राहुल गांधी पर दिए गए बयान का राजस्थान में बड़ा विरोध हो रहा है। अब यूथ कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्र सचिव सत्यवीर अलोरिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गोडेसा के अनुयायी राहुल गांधी की हत्या करना चाहते हैं। अलोरिया के बयान के बाद से यहाँ पर सियासी माहौल गर्मा गया है। राजस्थान कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि बीजेपी राहुल गांधी को लेकर नफरती स्पीच दे रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया गया वो गलत है। डोटासरा आगे बोले कि राहुल गांधी इस तरह के बयानों से डरने वाले नहीं है। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में एक पैंथर ने एक छात्र को मार डाला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतक छात्र कमला गोगुंदा के उडीथल गांव की रहने वाली थी। नवी कक्षा में पढ़ने वाली कमला बुधवार को खेतों में बकरियां चराने गई थी। देर शाम जब वो घर नहीं लौटी तो खेतों में घर वालों ने और ग्रामीणों ने उसे खोजना शुरू किया, फिर आज सुबह उसकी लाश मिली। राजस्थान की बहुत चर्चित आईएएस टीना डाबी हाल ही में बाड़मेर के कलेक्टर बनी। वही कलेक्टर की कुर्सी संभालने के बाद से ही टीना डाबी फिर से सुर्खियों में है। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में रोगी के साथ आई महिला रिश्तेदार के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी नर्सिंग कर्मी पर एक बड़ा एक्शन दिखाया। कलेक्टर टीना डाबी के मामला संज्ञान में आने पर आरोपी नर्सिंग कर्मी को तुरंत एपीओ कर दिया गया। इस मामले में अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया तो ये कार्रवाई हुई। राजस्थान के जोधपुर में बतौर सहायक कलेक्टर तैनात प्रियंका बिश्नोई की बुधवार को गुजरात के एक अस्पताल में मौत हो गई। जोधपुर की वसुंधरा अस्पताल में गलत इलाज के बाद उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। वही प्रियंका बिश्नोई के रिश्तेदार और समाज के लोग अस्पताल मालिक और डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े। पुलिस प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर रही है। पुलिस ने परिजनों को समझाया कि पहले जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान के दौसा में करीब 18 घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहायक कमांडर एनडीआरएफ योगेश कुमार ने बताया 600 फुट का बोरवेल था, बच्ची 28 फुट पर थी। बीच बीच में बारिश हो रही थी, लेकिन हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। एनडीआरएफ के 30 और एसडीआरएफ के 10 लोग इस अभियान में लगे हुए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इस संकल्प पत्र का नाम दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं, जिसमें हर अग्निवीर को परमानेंट जॉब, महिलाओं को 2100 रुपए महीना समेत कई वादे शामिल हैं। बता दूं रोहतक में घोषणा पत्र जारी करते समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि बीजेपी का घोषणा पत्र हमारा कॉपी पेस्ट है, इनके वादे झूठे हैं, इनका घोषणा पत्र झूठ का बंडल है, हमें जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी उपचुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।